अच्छा मैडम, वैसे एक बात पूछूं मैं तुमसे, हम्म, मेरे हाथ के कपड़े सिले हुए कैसे लगते हैं तुम्हें? कपड़े तो ठीक लगते हैं, इसी वजह से हर बार तुम्हें बुलाती हूँ। अच्छा तो चिंता मत करो, इस बार भी मैं तुम्हारे बहुत अच्छे से कपड़े सिलूंगा। मुझे ये बताओ ये कितना रखना है? अब तुम नाप ले तो रहे हो, तुम्हें नहीं दिख रहा? चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर दूंगा इसे। और थोड़ा शोल्डर भी चेक कर लेता हूँ तुम्हारा। अनुष्का, कितना टाइम और लगेगा नाप देने में? मुझे बॉर्डर के लिए भी जाना है। बस हो गया, कुछ टाइम और लगेगा। देखो मैडम, कुछ टाइम नहीं लगेगा, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। सर, इनके काफ़ी कपड़े सिलने हैं, इन्होंने सूट के लिए भी बोला है कि सूट भी सिलना है, इनका ब्लाउज भी है और इनकी सलवार भी सिलनी है, तो थोड़ा बहुत तो टाइम और लग जाएगा। और मैडम, आप बोल रही थी कि आपको पार्टी में भी जाना है, तो आपके लहंगे के साथ वाले ब्लाउज है ना, तो उसको भी तो ठीक से सिलना है। तो सर, आपको तो पता है, जब अच्छे से इनके कपड़े सिले जाएंगे तो अच्छे से उनका नाप भी तो लिया जाएगा, जिससे कि कपड़े ख़राब ना हो जाएं। और वैसे भी मैडम के तो काफ़ी महंगे कपड़े हैं ना। अरे रोहित, तो तुम क्यों लेट हो रहे हो? तुम्हारी बस छूट जाएगी, तुम निकल जाओ। हाँ अनुष्का, ये तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मैं बिना वजह लेट क्यों हो रहा हूँ? अगर मैं लेट हुआ तो मेरी बस छूट जाएगी, मैं निकलता हूँ फिर यहाँ से। ठीक है यार, अब मेरा पति चला गया है, अब तुम जैसे चाहो वैसे नाप ले सकते हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, मैं यार तुम्हारे चक्कर में ही टेलर बना हूँ, और अगर मैं टेलर नहीं बन पाता तो मैं इतनी जल्दी तुम्हारे घर पर आकर तुमसे मिल भी नहीं पाता। अरे यार, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि टेलर बन जाओ ताकि हम आसानी से मिल सके। अरे यार आज मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरी बीबी को हो क्या गया है जो मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए भी नहीं जा रही, और वैसे तो ये हर बार मुझे बस में बिठा करके आती है। अगर टेलर की बात थी तो नाप बाद में भी दे सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका चक्कर उस टेलर के साथ में चल रहा हो? क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ उसी टेलर को बुलाती है। क्या एक ही टेलर है इस शहर में जो लड़कियों के कपड़े अच्छे सिलता है? अरे और भी तो बहुत सी लेडीज टेलर हैं जो अच्छे अच्छे कपड़े सिलती हैं, लेकिन ये इसी को घर में क्यों बुलाती है? मुझे लगता है आज ना मुझे चलकर देखना ही होगा कि आखिर इसके साथ में क्या चक्कर है, तभी मुझे इसकी हकीकत पता चलेगी। और हाँ, अभी तो 40 मिनट हैं बस आने में, चलकर देखता हूँ। तो फिर ठीक है डार्लिंग, अब ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हारा पति भी नहीं है यहाँ पर। चलो जल्दी से बेड पर लेट जाओ, अब मैं बेड पर लेटाने के बाद ही नाप लूँगा तुम्हारा। हम्म, इधर आ जाओ, इधर। अभी कैसा नाप ले लूँ? अच्छा तो ये इस टेलर के साथ में ये सब करती है, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था, इस टेलर के साथ में इसका चक्कर चल रहा है। अनुष्का, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये इसीलिए तुमने मुझसे कहा था कि मैं बॉर्डर के लिए चला जाऊं? अरे रोहित, तुम गलत कुछ भी समझ नहीं रहे हो, है, ऐसा कुछ ये भी नहीं है। सिर्फ ये तो सिर्फ बैठ बेड कर मेरे नाप ले रहा था, है ना? पर क्या कहा तुमने? ये तुम्हारा नाप ले रहा था? अरे ऐसा कौन सा नाप है जो बेड पर लेट कर दिया जाता है? अरे साहब, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो जो मैडम ने बोला था ना लहंगा बनवाने के लिए और ब्लाउज बनवाने के लिए, तो जो लहंगे का नाप लिया जाता है ना वो लिटा कर लिया जाता है, तो वही नाप ले रहा था मैं, है ना? बता दो ना। हाँ रोहित, यही बात थी, मुझे लहंगा अच्छा भी तो लगना चाहिए ना, इसीलिए मैं राजी हो गई। क्या कहा तूने कि लहंगे का नाप जो लिया जाता है वो बेड पर लेटा कर लिया जाता है? इसका मतलब अब से पहले जितनी भी औरतों ने लहंगे सिलवाए हैं उन सभी ने बेड पर लेट कर नाप दिया है? और तू, हाँ तू तो अपना मुंह बंद कर ले, सारी गलती ना तेरी है। अब तू मुझे बता कि तू इस टेलर को घर में क्यों बुलाती है और इसी से कपड़े क्यों सिलवाती है? अरे रोहित, ये अच्छे कपड़े सिलता है, इसीलिए हर बार मैं इसी को बुलाती हूँ, और कोई बात नहीं है। इतने पर भी मुझसे झूठ बोले जा रही है कि अच्छे कपड़े सिलता है? बताती है मुझे, या फिर अभी कभी तेरे मम्मी पापा को कॉल करूं और तेरी इस हकीकत के बारे में उनको बताऊं? नहीं रोहित, बताती हूँ, सब कुछ सच सच बताती हूँ। ये मेरा कॉलेज टाइम का बॉयफ्रेंड है, और मेरी मम्मी पापा ने मेरी शादी तुमसे करा दी, इसीलिए मैंने इससे बोला कि तू टेलर बन जा ताकि हम दोनों आसानी से मिल सके। तभी तो मैं सोचूं कि नाप लेने के लिए क्यों आता है, और हमारे शहर में और भी तो बहुत से टेलर हैं जो लड़कियों के कपड़े सिलते हैं, और तुम्हें तो अपने कपड़े लेडीज टेलर से सिलवाने चाहिए और तुम इसको नाप देती हो। अरे मैंने तो तुमसे इसलिए कुछ नहीं कहा था, मुझे लगा था कि तुम्हारा करेक्टर अच्छा है, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे सिवाय तुम दूसरे मर्द को देख भी नहीं सकती, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मेरी पीठ पीछे
इतना घिनौना काम कर रही हो। देखो मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ तो नहीं करूंगा। तुम्हारी सच्चाई के बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को जरूर बताऊंगा, क्योंकि उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी बेटी अपने पति के पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। नहीं रोहित, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे मम्मी पापा को मत बताना, वरना वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ अनुष्का, तुम ठीक कह रही हो, मुझे ना तुम्हारे मम्मी पापा को बताना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम एक काम करो, तुम ना अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ में ही रहना, तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस धागे में एक बार गांठ लग जाती है ना, उस गांठ को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हें अभी कभी मेरे घर को छोड़कर जाना होगा। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ही रहना, तुम दोनों निकलो मेरे इस घर से। नहीं रोहित, नहीं। अनुष्का मुझे कुछ नहीं सुनना, निकलो चलो तुम यहाँ से। रोहित नहीं, निकलो तुम यहाँ से। Hmm.